हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सौम्या खत्री और आज मेरे साथ हैं मम्मी। तो आज हम करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो जिसमें हम लेने वाले हैं रिएक्शंस मम्मी के। क्या होने वाली है वो चीज़, वो मैं बता देती हूँ आपको। पहले वो होने वाले हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स, ठीक है। तो कल मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था अपने सब्सक्राइबर्स और अपने फॉलोअर्स से पूछने के लिए कि आप लोग मुझे सीक्रेट्स बताओ, तो उस पर हम करेंगे रिएक्ट। एक्चुअली स्पेशली करेंगे मम्मी रिएक्ट, तो देखते हैं मम्मी के क्या रिएक्शंस रहते हैं आप लोगों के सीक्रेट्स पे। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मम्मी, सब्सक्राइबर्स ने मुझे क्या कहते हैं भेजे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं, आपने रियल रिएक्शंस देने हैं अपने, ठीक है। तो पहला बंदा, नाम नहीं मैं बताऊंगी किसी का, अच्छा ठीक है। तो पहला बंदा है, ठीक है, लड़की है, वो कह रही है आई थिंक आई डोंट लव माई हस्बैंड एनी मोर। कह रही है मेरे को अपने पति से अब प्यार नहीं है शायद। ओह माय गॉड, फिर ऐसा भी होता है? नहीं बेटा, ये तो बहुत, ये कैसे हो गया? क्या वो और किसी से प्यार करती है? ये तो नहीं पता, बस इतना पता है कि वो कह रही है आई थिंक आई डोंट लव माय हस्बैंड एनीमोर। ये तो बहुत ही गलत बात, बहुत है, बहुत गलत बात है बेटा, बहुत गलत बात है। अगर कोई मतलब रीजन है तो बात अलग है। हाँ, कोई रीजन हो, मतलब उनकी बनती नहीं है या उनका मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो उसे सॉर्ट आउट करो, टॉक करके नहीं। तो ये तो मुझे तो नहीं अच्छा लगा। नो, ठीक है। तो नेक्स्ट है, एक बार मुझे मेरे एक्स ने ब्लैकमेल करके मेरे से 20,000 रुपए ले लिए। कि अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है या आपको मतलब आप परेशान हो रहे हो किसी से, तो आप अपने पेरेंट्स पर फेथ करो, है ना। तो फैमिली में बात करो, तो बात करने से बात सॉर्ट आउट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, आई हैवंट ब्रश्ड माई टीथ फ्रॉम लास्ट 4 मंथ्स। ओ माई गॉड, गंदा बच्चा कौन है ऐसा? पता नहीं, नाम नहीं बता सकते। उसको अपने पास से उल्टी नहीं आ रही, बदबू नहीं आ रही उसके आसपास, वो किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा। बताओ मुझे पहले कैसे कर लेते हो ऐसे, मतलब कैसे, हाउ एग्जैक्टली? ओह माय गॉड, मेरे बच्चे अगर ऐसा करें तो मैं जार चपेट और ला। गाऊं कान के नीचे खींच के, इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमें थप्पड़ खाने को, हमें तो रात को अगर बच्चों मतलब सुबह उठ के अगर बच्चे बिना ब्रश किए हुए मेरे पास भी आ जाए ना, तो मैं तो चपेट वहीं पे मारती हूँ कि पहले बदबू आ रही मुंह भी जिगर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ओके, प्लीज ब्रश कर लो। प्लीज प्लीज बेटा, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बाबा को इतनी बदबू मत सुंघाओ, ब्रश करो। ठीक है, नेक्स्ट है, आई एम 28 एंड नेवर हैड अ बॉयफ्रेंड। मतलब 28 साल की है, कह रही आज तक मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना। कोई बात नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, ये तो चलो अच्छी बात है। तो क्या क्या मतलब इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब वो है बेटा कि चलो नहीं बना तो कोई ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर किसी का बॉयफ्रेंड हो या कुछ हो, इसमें कोई इतनी कोई इशू नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है कोई, ये कोई बात नहीं, जब होगा जिंदगी में कोई आना तो आ ही जाएगा, दुखी मत हो। हाँ, दुखी मत हो, नॉर्मल चीज है ये। यस बेबी, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी मैं 3 बॉयज को डेट कर रही हूँ बट अब वो तीनों ही मुझे अच्छे नहीं लगते। उसके बाद मम्मी के साइन करे खुद से। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। फर्स्ट टर्म में हुए थे फेल, सेकंड में पास हो गए। पास हुए, क्या बना उसके बाद घर? उसके बाद क्या हुआ, क्लियर हुई एट्थ के? नहीं हुई, नहीं हुई। घर पे पता चला जूते पड़े के नहीं पड़े? माँ के जूते घुसे, कुछ तो पड़ा ही होगा बेटा, बताना जरूर कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट है, मुझे अपने फोन के बिना पॉटी नहीं आती। मेरे साथ भी ऐसा ही है, बस यही था इसका सवाल। हाय 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 हाय, मतलब ये क्या जिंदगी तुमने बना ली है, पहले तो मुझे ये बताओ सबसे पहले, मतलब क्या फोन तुम्हारा खुदा हो गया या पॉटी लाने की मशीन हो गया? हद हो गई तुम्हारी तो, कमाल है तुम लोगों की, बच्चों की फोन के बिना पॉटी नहीं आती, ये क्या तरीका है बताओ? फोन को पटक दो, स्क्रॉल नहीं ना करते, पता नहीं। ओह माय गॉड, आजकल के बच्चों का क्या बनने वाला है, तौबा तौबा।
माफ करो बेटा मुझे तो कोई बात नहीं करते रहो यूज फोन यूज करो पॉटी यूज करो पर इतने एडिक्ट मत हो जाओ कि तुम्हारी पॉटी ना निकले कॉन्स्टिपेशन नहीं होती फोन यूज कर लो बिल्कुल ठीक है अगला है उसके बाद आई एम 14 ईयर्स ओल्ड एंड हैड फोर रिलेशनशिप्स ठीक है लिखा हुआ है कि मैं 14 साल की हूँ और मेरे चार रिलेशनशिप्स ऑलरेडी हो चुके हैं और पांचवा चल रहा है कितनी बड़ी है बेटा 14 साल की 14 साल की उम्र में तो हमें मतलब इन सब चीजों की ABCD भी नहीं पता होती थी क्या बेटा क्या बेटा पढ़ाई में ध्यान लगाओ बेटा पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो पढ़ाई में ध्यान लगाओ पढ़ रहे हो कुछ बन जाओगे देखो 14 साल की उम्र में चार रिलेशनशिप क्या इट्स रॉन्ग आप अपने माँ बाप के साथ भी गलत कर रहे हो बच्चे अपनी सही दिशा पकड़ो और अपनी स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट करो लाइफ बहुत बढ़िया बच्चे नेक्स्ट है आई एट पॉटी व्हेन आई वाज अ किड जी जी क्या तुमने पॉटी खाई खाई है ओह माय गॉड कैसे कर सकते हैं कैसे कैसे हाउ मतलब बच्चे वैसे मम्मी ऐसे होता नहीं मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रही पर बच्चे कैसे क्या माँ ऐसे छोड़ देगी पॉटी करके बच्चे नहीं जैसे बच्चे ने पॉटी कर लिया ऐसे उंगली से उठा के खा लिया होगा मुझे तो देखो गूज़बम्स आ रहे हैं सोच के भी इमेजिन करके भी ठीक है नेक्स्ट है आई डम्प्ड माय गर्लफ्रेंड ये बोल के कि घर वाले नहीं मान रहे घर मतलब एक गर्लफ्रेंड होगी ठीक है उसको छोड़ दिया कि भाई मेरे घर वाले नहीं मान रहे झूठ बोला गलत क्या तूने बनाने से पहले नहीं सोचा था पूछा था तो बनाने से पहले कहीं सोचते हो कि घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे बाद में तो जो बाद में उनके कंधे पे बंदूक रख के चला जाता है रॉन्ग इट्स रॉन्ग ठीक है उसके बाद है मैंने अपने हस्बैंड को चीट किया एक बार विद माय कलीग बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज्ड इट इज रॉन्ग ओके पहले अपने हस्बैंड को चीट किया कलीग के साथ फिर उसके बाद कह रही मुझे रियलाइज हो गया कि मैं गलत थी फिर उसके बाद क्या किया तूने ये नहीं पता प्लीज अपनी सही दिशा पकड़ो हाँ, और अपनी लाइफ को थोड़ा सा सॉर्ट करो ये तो बड़ा ही गलत चीज है शादी के बाद हाँ। बहुत रॉन्ग थिंग है बहुत रॉन्ग थिंग है इस चीज को तो हम बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे मैं मतलब सोचना भी नहीं चाहते इस बारे में बिल्कुल बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट है आई वंस मेट शाहिद कपूर वाओ ही सो हॉट तो ये सीक्रेट क्या हुआ इसके अंदर क्या हुआ उल्टा अगर मिले हो तो फोटो डालो उसके साथ बिल्कुल बिल्कुल ये तो तुम झूठ बोल रहे हो मीडिया के मतलब सोशल मीडिया पे कि कुछ गए तो फोटो वोटो डालो ना हां वही तो ठीक है उसके बाद है आई हैव 4 फेक अकाउंट्स ऑन Instagram टू स्टॉक माय बॉयफ्रेंड कितनी खाली है इतने वेले कैसे हो सकते हैं लोग नो कमेंट मैंने भी ऐसा करा जब मैं थोड़ी सी हटी थी नो कमेंट ये जो थोड़ी थोड़ी यंगर बच्चियां होती है ना उनके ये ख्यालों में ये ऐसी चीजें आ सकती खाली है ना क्या खाली वेलियां जो होती हैं ठीक है नेक्स्ट है आई एम इन लव विद माय ओन सिस्टर्स हस्बैंड व्हाट भैया क्या कर रहे हो तुम्हारे ये सो बैड बहुत गलत चीज है ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग थिंग है बिल्कुल रॉन्ग अपना भी चीज खराब करोगे और अपनी बहुत ही गलत चीज है ये आपको किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए बिल्कुल इसके बाद 3 और आए हुए जो मैं बोल भी नहीं सकती इसके ऊपर इतना गंदा वल्गर बस प्लीज तो मुझे सुनाओ मैं सुनने मेरे कान ये इतने गट्स नहीं है कि मैं वो बोल पाऊँ बस वो मुझे मैंने सुनने भी नहीं है इसलिए हम लोग ये इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना सो या गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो टिल देन हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें जो नए जुड़े हैं वो भी उसे सब्सक्राइब करें आइकन बेल दबाएँ और हमारी वीडियो और आएँ उसका आनंद उठाएँ ओके बाय बाय